लोग कहते थे और बीजेपी के लोग ज्यादा कहते थे कि 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच के सीना ने नतमस्तक, मैंने 56 इंच के सीना वाले नतमस्तक हो गए नीतीश कुमार जी के सामने और आधा आधा बंटवारा कर दिया। लेकिन कुछ भी उससे नहीं होने वाला है, जनता सारी चीजों को देख रही है, किसको कितनी सीटों पर लड़ना है इसे जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता के हित में किसने काम किया या नहीं किया इसका सवाल है, तो इसलिए कहीं से उसका कोई मतलब नहीं। जहां तक रामविलास पासवान जी का सवाल है, रामविलास पासवान जी मौसम को परखते हैं और परखते हुए उन्होंने राज्यसभा की सीट पक्की करा ली है। उनको मालूम है कि लोकसभा में तो खाता एनडीए का नहीं खुलने वाला है, तो चलो राज्यसभा में सीट सुरक्षित करा लो। तो रामविलास पासवान ने अच्छा काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।